हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज हम लोग जा रहे हैं, मैं अपनी कार की सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ। 60,000 किलोमीटर्स वाली जो सर्विस होती है वो मैं करवाने जा रहा हूँ आज अपनी गाड़ी के अंदर। इस साल के अंदर मैंने गाड़ी ज़्यादा चलाई नहीं है, तो 60,000 कंप्लीट तो मेरे नहीं हुए हैं, बट फिर भी मैं 60,000 वाली करवाऊंगा, क्योंकि क्या बोलते हैं कि वो ड्यूरेशन जो है, एक साल का ड्यूरेशन वो खत्म हो चुका है, तो उस हिसाब से ही जो भी पार्ट चेंज होने हैं, जो भी करना है हम लोग, वो पूरा प्रॉपरली करने वाले हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल्ड, पूरी एक गाइड देने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए और कैसे चेंज करनी चाहिए और कैसे आप स्कैम से बच सकते हैं, कैसे पैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो एक लोकल सर्विस सेंटर रहने वाला है, ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कि लोकल गैराज बोल लीजिए, लोकल सर्विस सेंटर बोल लीजिए। मैं कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर में नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो क्या है कि मेरी गाड़ी अभी वारंटी के अंदर तो नहीं है, जो एक्सटेंडेड वारंटी मैंने नहीं ली थी, 5 साल वाली ली थी, वो 5 साल मेरे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो अभी जो भी सर्विस कराता हूँ मैं फुल सेटिस्फेक्शन के साथ कराता हूँ, बाहर से करवाता हूँ, क्योंकि अंदर या तो वो वहाँ पे जाने देते हैं जहाँ पे सर्विसिंग हो रही होती है, आजकल स्ट्रिक हो चुके हैं सब सर्विस सेंटर वाले, ना वहाँ पे वीडियो लेने देते हैं ना वहाँ पे जाने देते हैं, आपको क्या बोलते हैं कस्टमर लाउंज में बैठने को बोल देते हैं, आपकी गाड़ी जैसी हो जाती है तो फिर आपको वो गाड़ी बाहर डिलीवर कर देते हैं, सिर्फ आप देख सकते हो अपनी गाड़ी। आई थिंक वहां पे बीच में एक उन्होंने कांच जैसा दिया होता है, बट आई डोंट वांट दैट। मैं अपनी गाड़ी को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करके खुद आंखों के सामने चीजें देखना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक लोकल सर्विस सेंटर पे जाना प्रेफर करता हूँ आज के टाइम में। तो इसके भी कुछ अपने फ्लॉज हो सकते हैं कि इतना एक्सपीरियंस आपको ना मिल पाए जितना एक्सपीरियंस आपको वहां पे मिल पाएगा, बट आई एम फुली सेटिस्फाइड। मेरे को अपनी गाड़ी के बारे में पता है, मेरे को क्या क्या चीजें करवानी है क्या नहीं करवानी है। अगर आप एक बहुत ही न्यू कमर है, कुछ भी नहीं जानते, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक लोकल पे जाइए, क्योंकि और हर एक लोकल वाला इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता, तो आपका कहीं ना कहीं वहां पे भी स्कैम हो सकता है, या फिर स्कैम नहीं बोलूंगा, या फिर आपको थोड़ा सा पागल बनाया जा सकता है। बट अगर आपको पूरी नॉलेज है अच्छे से, तो आप डेफिनेटली जाइए, कोई भी एक लोकल सर्विस सेंटर पकड़ लीजिए, वहां पे जाएंगे तो अच्छे से आपकी सर्विस हो जाएगी, आपकी आंखों के सामने होगी, जो जो बोलेंगे वो आपकी आंखों के सामने सब करेगा। और एक और दिक्कत क्या आती है लोकल सर्विस सेंटर के, वहां पे दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि वहां पे आपको मे बी कंपनीज के जेन्युइन पार्ट नहीं मिल पाते हैं, वो लोग जेन्युइन पार्ट नहीं रखते हैं, और अगर रखते भी हैं तो कई बार क्या होता है फिर वो मंगवाते हैं तो उसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं जाऊँगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने अमेजन से मंगा लिए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो इंजन ऑयल है, मैंने ये कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल जो कि मैं डलवाने वाला हूँ मेरी गाड़ी के अंदर, ये मैंने अमेजन से ऑर्डर कर लिया। और ये है कुछ कूलेंट के, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या मैंने चीजें ऑर्डर कर ली है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एयर फिल्टर है, जो कि ये सारी मारुति की जेन्युइन एक्सेसरी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे ये एयर फिल्टर रहने वाला है। उसके बाद ये एक ऑयल फिल्टर है जो कि मारुति की जेन्युइन, ये सारी एक्सेसरी जेन्युइन मारुति की है। और फिर ये अगेन हमारा जो एसी का फिल्टर रहता है, ये भी मैंने परचेस कर लिया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं मिलता है, बट कई बार क्या होता है कि रेडली अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे, तो फिर वो लोग लेने भेजते हैं अपने बंदों को, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही पहले ही परचेस करके रखी हुई हैं, और वेल इन एडवांस जब मेरे को लगता है कि मेरे को सर्विस करवानी है तो उसके एक हफ्ता पहले ये सारी चीज़ें मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपको डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली जो वो लोग आपको प्राइस देने वाले उससे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये सारी चीज़ें अमेजन पे या फिर बोर्डों में से, ये जो ऑथराइज्ड वाली हैं ये मारुति के बोर्डों से मैंने परचेस करी हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिस्काउंट भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो ये अभी मैंने सारी चीजें ले ली हैं और अब मैं आगे जाता हूं और कार के अंदर क्या क्या मैं करवाता हूं वो सब भी आपको बताऊंगा। सो अभी के लिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कार के जो टायर्स हैं वो ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं, और सबसे पहले ब्रेक्स की यहाँ पे चेकिंग करी जा रही है, ब्रेक पैड जो है वो अच्छे से हैं, डिस्क ब्रेक है, जो ब्रेक के डिस्क हैं उसके ऊपर कोई सर्फेसिंग की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि लास्ट जो मैंने सर्विस कराई थी वो वीडियो कॉलिंग भी ऊपर मैं डाल दूंगा अगर आप देखना चाहते हो, उसके अंदर मेरे ब्रेक पैड ज़्यादा घिस चुके थे, तो उन्होंने ब्रेक पैड्स ने स्क्रैचेस दे दिए थे डिस्क के ऊपर, तो उसके अंदर आपको डिस्क चेंज कराने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। वो आप सर्फेसिंग करा के आप अपना काम चला सकते हैं,
बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे से पूरी निकाल के चेक कर लिया और जो भी है साफ करना तो साफ करके अब ग्रीसिंग करी जा रही है। कैलिपर पिन अच्छे से यहाँ पे बिठाई जा रही है जिससे कि जो चू चू की आवाज अगर आपकी गाड़ी के अंदर आ रही है तो ये आपको जोर से चेक करना होता है कि जो कैलिपर पिन है ये अच्छे से ग्रीसिंग के साथ वापस से डाली जाए आपकी यहाँ पे गाड़ी के अंदर, तो वो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पार्क प्लग यहाँ पे अब निकाले जा रहे हैं। स्पार्क प्लग आपको निकाल के देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको हर एक 20,000 22,000-30,000 के बीच में आपको स्पार्क प्लग हर एक सर्विस के अंदर तो आपको निकाल के देखना ज़रूरी है, बट चेंज कराने की बात अगर है तो आपको 30,000 के अंदर आपको उसको चेंज करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी कार के अंदर एवरेज नहीं आ रही है और पिकअप के अंदर अगर इशू आ रहा है तो आपको स्पार्क प्लग आपका ज़रूर से चेंज करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग भाई निकाल रहे हैं और निकाल के देखेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो वो चेंज करे जाएंगे, अदरवाइज़ उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं पेपर जो आता है ना एमरी पेपर उससे भी उसको क्लीन कर दिया जाता है और उसके अंदर एक गैप होता है जिसको देखना होता है, अगर वो प्रॉपर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बात कर लेते हैं अभी साइड से, आप देखेंगे भाई जो है हमारे वो अंदर से एसी का फिल्टर लेके आए और कितनी इसके ऊपर गंदगी भरी हुई है। तो अगर आपके एसी के अंदर स्मेल आ रही है या फिर आपको क्या बोलते हैं अच्छे से कूलिंग नहीं मिल पा रही है तो आपको ये एसी फिल्टर जरूर से चेंज करवा लेना चाहिए, ठीक है। और ये ऊपर जहाँ पे पत्ते पड़े रहते हैं वो सारे के सारे पत्ते आप ये फिल्टर के अंदर देख पा रहे होंगे, तो ये पहले भी मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे सब पत्ते पड़े रहते हैं तो ये साफ करने चाहिए, अदरवाइज वो ये फिल्टर के अंदर जाते हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो स्पार्क प्लग थे वो बिल्कुल अच्छे थे, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो वापस से वो यहाँ पे फिट कर दिए जाएंगे। और साथ में ही यहाँ पे भाई ने एयर फिल्टर खोल लिया है यहाँ, और एयर फिल्टर के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे एसी की भी सर्विस मैं कराने वाला हूँ, तो एसी का जो कंडेंसर है या फिर आप जो फैन बोल सकते हैं वो भी यहाँ पे भाई खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे बाहर निकाल लिया, अब इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, इसकी सर्विसिंग करेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो इसके अंदर सॉल्व हो जाने वाली है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो है वापस से फिट कर रहे हैं हमारे जो स्पार्क प्लग थे क्योंकि इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, और पीछे वाले टायर के अंदर भी साथ ही में साथ काम चल रहा है, उसके जो ड्रम ब्रेक हैं उसको अच्छे से क्लीन करके वापस से लगा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अंदर के जो अभी बाकी के कंपोनेंट है एसी के उनको भी बाहर निकाला जाएगा ताकि उनके अच्छे से सर्विस हो पाए, ठीक है। तो ये अभी तक काम पूरा अच्छे से प्रॉपरली चल रहा है और मैं साथ ही आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंज हो रहा है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से करके जाइए, और कोई भी डाउट है तो साथ में नीचे कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं कोई कंपोनेंट के बारे में तो ज़रूर से नीचे लिखिए। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एयर फिल्टर था वो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने चेंज किया था, तो इसको हम न्यू चेंज नहीं करने वाले हैं, नया नहीं डालेंगे, इसको ही वापस से थोड़ी सी एयर प्रेशर से हवा मार के हम इसको निकाल देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो नीचे का हमारा इंजन ऑयल है वो निकलने जा रहा है, तो यहाँ पे भाई नीचे जो नट आता है हमारा वो खोल ले रहे हैं पहले, और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो ऑयल फिल्टर है ये भी चेंज होने वाला है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर ऑयल चेंज करवा रहे हैं तो फिल्टर ज़रूर से चेंज करवाइए, ठीक है। ये इतना महंगा नहीं आता, 100-200 रुपये के अंदर आपको ये फिल्टर मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एयर फिल्टर को अच्छे से क्लीन करके वापस से अंदर डाला जा रहा है, जो कि हमने चेंज नहीं किया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने चेंज नहीं किया, उसको खाली हवा अच्छे से मार दी है, प्रेशर एयर से मार के उसको अंदर वापस से फिट कर दिया जा रहा है। तो ये खड़े रह के साथ में सर्विस कराने के सारे फायदे होते हैं कि आपको अननेसेसरी पैसा नहीं देना पड़ता है, आप जो चीज़ बदलने वाली है वो बदलवाते हैं, अदरवाइज जो चल सकती है अच्छे से उसको आप क्लीन करा के काम चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से हमने इंजन ऑयल जो है वो पूरा ड्रेन आउट कर दिया है पुराने वाला, और अब नया इंजन ऑयल यहाँ पे डाला जा रहा है। और ये कौन सा इंजन ऑयल है ये मैं आपको बताऊंगा, ये कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, और ये सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट हैं ये सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ, ये अगर आप अपनी कार के लिए परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन ऑयल अंदर जा रहा है, और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी कार की सर्विसिंग करा रहे हैं तो कोई भी चीज़ में पैसे के अंदर आप क्या बोलते हैं थोड़ी सी ऐसे कंजूसी कर लेना, बट जो ये इंजन ऑयल हो गया या फिर कूलेंट हो गया, ये जो फिल्टर होते हैं, फिल्टर तो चलो आप कोई दूसरी कंपनी का भी डलवाओगे तो भी चल जाएगा, बट ये सब के अंदर कभी भी कंजूसी मत करना है। ड्रेन आउट जो हमारा इंजन ऑयल था वो बाहर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कंजूसी करेंगे तो आपकी गाड़ी की अगर लाइफ 20 साल चलने वाली थी तो वो 10 साल चलेगी, ठीक है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसमिशन ऑयल आप बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं गियर ऑयल वो चेंज किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी गाड़ी में एक बार भी ये चेंज नहीं करवाया। सो आई थॉट
कि इस बार मैं ज़रूर से चेंज कराऊंगा जो गियर ऑयल है वो मेरी गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे गियर ऑयल बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑयल बोल सकते हैं, वो डाला जा रहा है और वापस से जो कंडेंसर था वो फिट कर दिया, अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया उसको अंदर से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब लास्ट जो बचती है बात वो है हमारी क्या बोलते हैं, कूलेंट डाल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे। और बहुत से लोग बोलते हैं कि कूलेंट अगर हम अपनी गाड़ी के अंदर ना डालें, पानी डालें तो चलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी गाड़ी के अंदर कूलेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इंजन कूल रहता है। अगर आप नहीं डालेंगे पानी के ऊपर अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आपका इंजन हीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत से लोग क्या पानी भी मिक्स करते हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं करता हूँ, और अगर करता भी हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी क्या बोलते हैं कूलेंट रहेगा आपकी गाड़ी के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी गाड़ी परफॉर्म भी करने वाली है और इंजन की जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कूलेंट अपनी गाड़ी के अंदर क्या बोलते हैं हर सर्विस के अंदर क्या बोलते हैं 20,000 के बाद तो आपको चेंज करवाना ही रहता है, बट हर 10,000 की जो सर्विस कराते हैं या साल में एक बार जब भी आप सर्विस करा रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, उसको टॉपअप करा देना है अगर वो थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे आती है हमारी दूसरी बॉटल। ठीक है, पहली बॉटल हमने पूरी डाल दी है यहाँ पे कूलेंट की, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कूलेंट ज़्यादा से ज़्यादा जाए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आधा कूलेंट डालते हैं आधा पानी डालते हैं, तो वो उनकी चॉइस है, ऐसा भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर, और मैनुअल के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा गाड़ी का जो मैनुअल आता है कि आपको पानी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो उसकी क्या बोलते हैं थिकनेस है वो कम हो जाएगी और पानी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो रस्ट लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारी सर्विस एंड होती है। जो वॉशिंग वगैरह की थी वो मेरे को थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए मैं वहाँ से निकल गया हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत टाइम लगने वाला था, तो आई थॉट कि मैं वॉशिंग बाद में करवा लूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आज की जो सर्विस कराई है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूरी चेंज हुई हैं, कितनी कॉस्ट पड़ी है मेरे को वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो चीज़ें मैंने खुद से परचेस करी थी उनकी कॉस्टिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, और क्या बोलते हैं जो चीज़ें यहाँ से मैंने डलवाई हैं और पूरी सर्विस कॉस्ट कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन ऑयल की। इंजन ऑयल अराउंड मेरे को 1900 के अंदर पड़ गया है। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं जो कूलेंट मैंने मंगवाए हैं वो मेरे को पड़े हैं, दो कूलेंट मैंने मंगवाए थे तो 190 each, तो आप मान सकते हैं कि 380 rupees हो गए हमारे कूलेंट के। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं एयर फिल्टर था वो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो वो हमारा वैसे का वैसा ही है। उसके बाद जो AC फिल्टर है वो अराउंड 450 या 500 के अंदर आता है, 450 हम मान लेते हैं यहाँ पे, 450 हमारे फिल्टर की कॉस्ट होगी। उसके बाद जो हमारा ऑयल फिल्टर आता है वो अराउंड 100 rupees का, तो 100 rupees उसके मान लेते हैं। और तो ये सारी चीज़ें जो हमने चेंज करी हैं बात हो गई उसकी, और उसके बाद वहाँ से जो मैंने डलवाई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ से मैंने क्या बोलते हैं गियर ऑयल बोल सकते हैं आप, या फिर उसको बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑयल, वो मैंने वहाँ से डलवाया, तो 800 rupees उसकी कॉस्ट आई है ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने की। उसके बाद क्या बोलते हैं कि सर्विस पूरी की पूरी जो गाड़ी की सर्विस है जिसके अंदर के नॉर्मल कार की जो सर्विस है वो प्लस जो ब्रेक्स के अंदर उन्होंने मेंटेनेंस करी बोल सकते हैं, फिर ब्रेक की जो सर्विस है वो 1000 rupees के अंदर पूरी कंप्लीट हो गई मेरी। ठीक है, 1000 rupees के अंदर क्या बोलते हैं कि ब्रेक की और नॉर्मल सर्विसिंग हो चुकी है मेरी। और उसके बाद फिर गियर ऑयल के 800 मैंने ऑलरेडी बता दिए आपको। उसके बाद जो AC की सर्विस करवाई है जिसके अंदर रेडिएटर क्लीन किया, अंदर से जो ब्लोअर है उसको क्लीन किया गया, तो ये मेरे से 1200 rupees चार्ज करे हैं, तो ये 1200 rupees हो गए। तो ये सारी की सारी कॉस्ट आती है 3000 के अंदर, वहां से मेरे को पड़ा है। और राउंड आप देख सकते हैं कि जो मैंने खुद के प्रोडक्ट परचेस करे थे तो वो मेरे को अराउंड क्या बोलते हैं कि 2200 rupees के अंदर इंजन ऑयल प्लस कूलेंट पड़ा था, और 600 rupees मैं मान लेता हूँ कि जो AC का फिल्टर है और आगे जो हमारा ऑयल फिल्टर चेंज किया है 600 रुपये उसके, तो 2800 हमारी कॉस्टिंग आ जाती है जो मैंने खुद से परचेस किए थे प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने 3000 पे किए हैं। तो पूरी ये सर्विस जो पूरी ये 60,000 की सर्विस है ये मेरी क्या बोल सकते हैं कि 3000 यहाँ पे और 2800 वहाँ पे, तो 5800 rupees के अंदर ये पूरी की पूरी मेरी सर्विस हो चुकी है, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मैंने करी है। सारी चीज़ें चेंज भी करी हैं और ये सारी सर्विस भी करवाई है। और इसके बदले अगर आपने अभी तक अपनी कार के अंदर अभी तक स्पार्क प्लग चेंज नहीं कराए तो वो भी आपको हर 20-30,000 के बीच में चेंज करवा लेने चाहिए, तो वो मेरे अभी 10-12,000 किलोमीटर पहले ही मैंने वो चेंज करवाए थे, तो वो अच्छी कंडीशन में थे तो वो चेंज नहीं करवाए यहाँ पे मैंने। ठीक है, और
बाकी जो मेजर सब कुछ चेंज होना चाहिए वो मैंने चेंज करवा लिया है, और जो फिल्टर वगैरह जो भी डलने चाहिए, न्यू नई चीजें डलनी चाहिए वो भी डलवा ली हैं। तो सब कुछ मिला के पूरी कॉस्टिंग ये आप ये समझ सकते हैं 5800 के अंदर सब कुछ हो चुका है। तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि ठगे जाते हैं जो 10,000-12,000 पे कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ जानना चाहते हैं सर्विसिंग के रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट करके बताइए जरूर से मेरे को, और मैं जरूर से आपके जो भी क्वेरीज होगी जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने का जरूर से ट्राई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ भी डाउट है उस वीडियो के रिलेटेड या कुछ पूछना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, या फिर डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सेम यूजर नेम रहने वाला है ड्राइव विद कमल, वहां पे आप डायरेक्टली जाकर मेरे को डीएम कर देंगे तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन ओवर देयर एज वेल, ठीक है। आज की जो सर्विसिंग है क्या क्या चीजें चेंज करी है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, उसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं सो बेझिझक नीचे लिख दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय।